हेलो माय प्रेशियस फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हिच इज संचिता क्विक हेल्दी एंड टेस्टी। मैं हूं संचिता बेसरा और एक नई रेसिपी लेकर किचन में आ गई हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बनाने वाली हूं पिजन खिचड़ी, यानी कि कबूतर का खिचड़ी। आज मेरी ये नई रेसिपी मैं आशा करूंगी आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए पिजन खिचड़ी यानी कि कबूतर का खिचड़ी रेसिपी देख लेते हैं। तो ये रहे हमारे बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो कि सभी के घर पे होता है। हमने यहाँ पे पिजन यानी कि कबूतर का मीट अच्छी तरह से धोकर काट कर रखे हैं, और हमने लिया है चावल। ये कोई स्पेशल बासमती या फिर और कोई दूसरा वाला चावल नहीं है, घर पे नॉर्मली जो हम राइस बनाते हैं वही चावल हमने लिया है। और मसाले में है ऑनियन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, सरसों का तेल, लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च का पेस्ट, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, और है 2 तेज़पत्ता जो कि अभी तोड़ के लाया हुआ है, और है इलायची, दालचीनी, लौंग और बड़े इलायची। तो फिर चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए आज का टेस्टी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, और कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद इसमें हम 5 से 6 बड़े चम्मच सरसों का तेल को डालेंगे और तेल को भी अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। और एक बात, कबूतर का खिचड़ी बन जाने के बाद ये घर का बनाया हुआ देसी घी खिचड़ी में हम देंगे, और देसी घी बनाने का प्रोसेस मेरे चैनल में है, आप जाकर देख सकते हैं। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, अब इसमें हम देंगे 2 तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़े इलायची, छोटे इलायची और लौंग। इन सारे चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से इसको हम चटकने के लिए देंगे, यानी कि चटकने के लिए छोड़ देंगे। और ये चटक जाने के बाद अब इसमें हम देंगे प्याज का पेस्ट। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को पेस्ट कर लिए थे। प्याज थोड़ी देर भुनने के बाद अब इसमें हम देंगे अदरक का पेस्ट, और अदरक का पेस्ट हमने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच दिया है। अदरक का पेस्ट और प्याज के पेस्ट को अच्छी तरह से गरम मसाले के साथ भुनने देंगे, और इसमें हम देंगे लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट भी 3 बड़े चम्मच हमने लिया है। इन सारे मसाले को अब अच्छी तरह से भुनने के लिए छोड़ देंगे, और इन मसाले को हम तब तक भुनेंगे जब तक मसाले तेल ना छोड़ दे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम देंगे सूखी मिर्च का पेस्ट, इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करके भुनेंगे। और मैंने यहाँ पे 12 से 13 सूखी मिर्च लिया है। आप अपने तीखा खाने के अनुसार मिर्च कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से भुनकर रेडी है। इसको एक बार मिक्स करेंगे, और इसमें हम देंगे कबूतर का मीट। कबूतर का मीट बहुत नरम होता है, इसलिए इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। कबूतर का मीट को देने के बाद मीट को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स करेंगे, और मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें हम देंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो दे सकते हैं और नहीं चाहते हैं तो मत दीजिए। लाल मिर्च पाउडर देने से खिचड़ी में बहुत अच्छा कलर आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर दिया है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो मत दें। हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें हम देंगे नमक। अपने मीट के क्वांटिटी के अनुसार आप नमक दें। नमक पहले हम थोड़ा सा ही देंगे, अगर लगे तो बाद में हम ऐड करेंगे। करछी से घुमाते हुए 2-3 मिनट मीट को हमने पका लिया है। अब इसमें हम दे रहे हैं जीरा पाउडर। जीरा पाउडर मैंने यहाँ पे 1 चम्मच दिया है। जीरा पाउडर देने के बाद फिर एक बार अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, यानी कि मसाले में मीट को देने के बाद टोटल हमने 10 मिनट तक मीट को मसाले के साथ भून लिया है। अब इसमें हम देंगे चावल।
मैंने यहाँ पे घर पे जो रेगुलर चावल रहता है वो ही लिया है, कोई स्पेशल चावल नहीं लिया है। लेकिन चावल को इसमें देने से पहले मैंने अच्छी तरह से चावल को धोकर सुखा लिया था। आप भी चावल को अच्छी तरह से धो के 2-3 घंटा पहले अच्छी तरह से धो के सुखा लीजिए, इसके बाद आप ये रेसिपी बना सकते हैं। चावल को देने के बाद मीट के साथ चावल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चावल को मीट के साथ हम तब तक भूनेंगे जब तक चावल से चटकने का आवाज़ ना निकले। और इस समय गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम करके रखेंगे। अगर हम हाई फ्लेम पे इसको भूनेंगे तो चावल मसाले नीचे से जल सकता है, तो इसलिए हम लो टू मीडियम फ्लेम में करछी को बार बार घुमाते हुए चावल को भून लेंगे। चावल से चटकने का आवाज़ आ रहा है, आप सुन सकते हैं। चावल को देने के बाद हमने चावल को 10 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है, आपने चटकने का आवाज़ सुना है। अब इसमें हम देंगे पानी, पानी एकदम फुल कढ़ाई देंगे। यहाँ पे पानी हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही लगेगा क्योंकि मीट को पकना है, मीट तो बहुत जल्द पक जाएगा और चावल को भी अच्छी तरह से पकना है। और एकदम इसको सूखा नहीं बनाना है, थोड़ा थोड़ा पानी रहेगा तभी हम गैस को बंद करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे चावल पका है या नहीं। चावल पक जाने के बाद अगर थोड़ा पानी रहे तब भी हम गैस को बंद कर देंगे, ये अपने आप ही सूख जाएगा। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 मिनट्स के ऊपर हो गया है और ये पानी देखिए, पानी भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं चावल कितना पका है। चावल और मीट अच्छी तरह से नरम हो गया है। अब गैस को हम बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसमें जो थोड़ा पानी है ये भी ठंडा होते होते सूख जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको थोड़ा थोड़ा ठंडा कर लिया है। इस समय इसमें हम देंगे 1/2 चम्मच देसी घी। मैं यहाँ पे फ्लेवर के लिए देसी घी दे रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा देसी घी देना है तो आप दे सकते हैं। घी को देने के बाद अच्छी तरह से इस तरह से हम मिला लेंगे और इसको ढक्कन से ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देसी घी देने से बहुत सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा खुशबू आता है। और 10 मिनट हो गया है, ढक्कन खोल लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पिजन का खिचड़ी यानी कि कबूतर का खिचड़ी बनकर तैयार है। मैं आशा करूँगी आप सभी को मेरी ये पिजन खिचड़ी यानी कि कबूतर का खिचड़ी बहुत ही अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसी तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त पास में जो घंटी है यानी कि नोटिफिकेशन बेल उसको ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दे, जिससे कि जब भी मैं कोई नई रेसिपी बनाऊंगी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप मेरी रेसिपी सबसे पहले देख पाएंगे। मेरी इस रेसिपी को देखने के बाद आप भी घर पे पिजन खिचड़ी यानी कि कबूतर का खिचड़ी घर पे बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट के द्वारा अपना अनुभव जरूर बताइए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी इस रेसिपी को जरूर शेयर करें। मैं आशा करूंगी आप सभी को मेरी ये रेसिपी बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोगों के साथ फिर जल्द ही मुलाकात होगी क्विक हेल्दी एंड टेस्टी नई रेसिपी के साथ। तब तक आप मेरी बाकी रेसिपी को जरूर देखें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।